हेलो बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन सो द क्वेश्चन ओवर हियर सीज द मोस्ट एक्सेप्टेड लाइन ऑफ डिसेंट इन ह्यूमन एवोल्यूशन इज ठीक है सबसे पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलोपैथिकस के बाद रामापैथिकस आया फिर होमोसेपियंस फॉर होमो हैबिलिस सबसे पहली गड़बड़ तो यहीं पे दिख रही है कि होमोसेपियंस से होमो हैबिलिस बोला गया है जब हम सबसे इवॉल्व फॉर्म है होमोसेपियंस मतलब हम और हम सबसे इवॉल्व फॉर्म है तो हम होमो होमोहेबिलिस से पहले कैसे होंगे पहले तो हमें सबसे लेटेस्ट में आना चाहिए दूसरी चीज ऑस्ट्रेलोपैथिकस रामापैथिकस के बाद आए थे रामापैथिकस सबसे पहले तो ये ऑप्शन गलत होमो इरेक्टस से होमो हैबिलिस फिर होमो सेपियंस ठीक है होमो इरेक्टस से होमो हैबिलिस फिर होमो सेपियंस ये ऑर्डर ही गलत है और इनकम्प्लीट भी है देखिए होमो हैबिलिस पहले आए थे और फिर होमो इरेक्टस आए थे तो ये ऑप्शन गलत हो गया फिर रामापिथिकस होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस होमो सेपियंस दिस ऑर्डर इज करेक्ट बट हम ये नहीं कहेंगे कि ये पूरी तरीके से कंप्लीट है हम एक बार दूसरे ऑप्शन को भी देख लेते हैं यहाँ पे देखिए ऑस्ट्रेलोपैथिकस से रामापैथिकस ये ऑप्शन गलत हो गया क्यों क्योंकि रामापैथिकस ऑस्ट्रेलोपैथिकस से पहले आए थे फिर होमो इरेक्टस फिर होमो हैबिलिस ये सीक्वेंस भी गलत है कि होमो हैबिलिस होमो इरेक्टस के बाद आए होमो इरेक्टस होमो हैबिलिस के बाद आए फिर होमो सेपियंस अगर ये सीक्वेंस दोनों में ऑपोजिट होता रामापिथिकस पहले फिर ऑस्ट्रेलोपिथिकस फिर होमो हैबिलिस फिर होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता लेकिन यहां पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन सी ओके तो आपका फाइनल आंसर क्या बनेगा यहां पर ऑप्शन दामापैथिकस रामापेथिकस उसके बाद होमोहेबिलिस होमोहैबिल होमोइरेक्टस होमो इरेक्टस एंड देन होमोसेपियस ऐसा नहीं है कि ये जो लीनियज दी गई है ये कंप्लीट है इनके बीच में भी स्टेजेस है राइट right? लेकिन ये जो सीक्वेंस दिया है वो एकदम करेक्ट है कि कौन सा किसके बाद है राइट right? तो ये आंसर आपका सही बनेगा सो दैट्स इट फॉर द क्वेश्चन आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल बेस्ट ऑफ लक